हेलो गाइस, वेलकम टू माय कनक यादव यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम जो है गैस फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर सेट कर लेंगे। हाई फ्लेम पर सेट कर लेने के बाद अब हम उसके ऊपर अपना पतीला रखेंगे। पतीला रखने के साथ ही हम पतीले को आधा पानी से फिल करके रख देंगे और पानी को गर्म होने तक उसका इंतज़ार करेंगे। देखिए, गैस हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पर सेट करके रखी है। अगर आपके पास चूल्हा है तो आप इस रेसिपी को चूल्हे पर भी बना सकते हैं, उससे इसको काफ़ी ज़्यादा अलग टेस्ट मिलता है। हम इसकी जल्दी ही वीडियो चूल्हे पर बनाने की भी लेकर आएंगे। अभी हम इसे गैस पर बना रहे हैं, तो हम पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारा पानी गर्म होता है, जब तक ये हमारा बाजरा है। बाजरे को हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। कूटने के लिए हमने ओखली का प्रयोग किया है। ओखली से बाजरे को कूट कर अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है। हमें उसका आटा नहीं बनाना है, केवल हमें उसे कूट कर दरदरा पेस्ट बनाना है। देखिए, ये ऐसा बाजरा था। बाजरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा छिलके भी होते हैं, तो हमने उसको कूट कर उसके सभी छिलकों को निकाल कर अलग कर लिया है। और कूटने के बाद हमारा बाजरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप भी ऐसे ही बाजरे को अच्छी तरह से कूट कर उसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में आप ग्राइंड करने की गलती ना करें, नहीं तो उसके छिलके रह जाते हैं, वो बाद में अगर आप खाएंगे तो आपके गले में फंस सकते हैं। साथ ही हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने चने की दाल ली है और साथ ही साथ हमने चावल लिए हैं, तो हमने इन्हें भी साफ़ कर लिया है। इनके अंदर जो भी कंकड़ वगैरह थे हमने उन्हें निकाल दिया है। अब हम इन्हें पानी की सहायता से वॉश करके साइड में रख देंगे। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो उसमें से थोड़ा पानी लेके अपने बैटर में ऐड करेंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि उसमें भी कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। अगर आप बैटर को सीधे ही अपने गर्म पानी में डाल देंगे तो उससे जो है ये चिपक जाएगा और इसके अंदर काफ़ी सारे लम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से खाने में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए पहले गर्म पानी मिक्स करके इसके सभी लम्स को ख़त्म कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम अपने गर्म पानी में इसको ऐड करेंगे। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद, अब देखिए हमारे पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। आराम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे इसको ऐड करेंगे और धीरे धीरे ऐड कर लेने के बाद फिर हम इसको स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्पून की सहायता से मिक्स करते हुए लगातार चलाते रहिए। यह रेसिपी आपको एक से डेढ़ घंटे में बनके तैयार मिलेगी। अगर आप चूल्हे पर बनाएंगे तो भी आपको इतना ही समय लगेगा, अगर आप गैस पर बनाएंगे तो भी आपको एक से डेढ़ घंटे का समय इसको बनाने में लग जाएगा। देखिए, अब हमारे बैटर में एक उबाल आ चुका है। अब इस समय पर हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें जैसे कि चने की दाल, साथ ही चावल जो हमने वॉश करके साइड में रख दिए थे, उन्हें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढककर पकने देंगे।
इसको लगातार 1 से 1.5 घंटे तक उबलते रहने के लिए पकने देंगे। साथ ही साथ आप इसको बिल्कुल लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो यह नीचे चिपक कर जो है जल जाएगी। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, पका लिया। जैसे जैसे यह पकती जाएगी धीरे धीरे यह ठीक होती जाएगी, यानी कि इसका जो पेस्ट है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जब पेस्ट गाढ़ा होने लगे तो उस समय पर इसको आप लगातार चलाते रहें, वरना यह नीचे जल लग कर जल जाएगी। आधा घंटा हो जाने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी दाल है वह बिल्कुल अच्छी तरह से ना गल जाए। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको फिर से ढककर पकने देंगे। आप चाहे तो खुले में भी पका सकते हैं, लेकिन खुले में ज़्यादा छीट लगती है तो उससे आप जल भी सकते हैं, इसलिए आप इसे ढककर पकाइए। यह थी हमारी आज एक छोटी सी टिप। तो ये देखिए, अब धीरे धीरे ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है, तो इस समय पर आप इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। कम से कम 1 घंटे बाद देखिए, अब हमारी जो खिचड़ी है, बाजरे की खिचड़ी जो सर्दियों में स्पेशल बनाई जाती है, वह बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसे बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है और यह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। साथ ही साथ आप जो ओट्स खाते हैं या फिर आप प्रोटीन लेते हैं तो उसका काम भी अकेले ही कर देते हैं। तो बनने के बाद हमने इसे सर्व कर लिया। साथ ही साथ हमने इसमें देसी घी यानी कि बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के साथ ही आप इसमें जैगरी ऐड करके खा सकते हैं, चाहे तो बूरा ऐड करके खा सकते हैं, चाहे तो गुड़ या शक्कर ऐड करके खा सकते हैं, या फिर दही लस्सी या फिर मिल्क दूध के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो हमने इसके अंदर घी ऐड कर लिया, तो घी को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसके अंदर बूरा ऐड कर ली है अब, और बूरा ऐड कर लेने के बाद हम घी और बूरा को दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बूरा अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
आप चाहे तो इसे घी बोरा मिक्स करने के बाद ऐसे ही खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें दही या फिर दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे चलकर दूध भी ऐड करेंगे। तो अब हमने इसके अंदर दूध भी ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर हम इसे खाएंगे। आप चाहे तो इसे किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो यह थी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऑथेंटिक डिश। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को बनाइए, सावधानी से बनाइए, और सर्दियों में इसे खाकर मज़ा लीजिए। कल भी न्यू ईयर भी है, तो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कीजिए। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड हैव अ हेल्दी रेसिपीज एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो ही तो आप हेल्दी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।